रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद नबी अल-उम्मी व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 के प्रॉब्लम नंबर 7.1 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पे गौर करते हैं कि इसमें स्टेटमेंट हमें क्या बताता है। ये इस चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल है। स्टेटमेंट की तरफ आते हैं तो हमें इसमें बताता है कि एक वुडन ब्लॉक है जिसकी मेजरमेंट जो है वो 40 सेंटीमीटर ज़रब 10 सेंटीमीटर ज़रब 5 सेंटीमीटर है और इसका जो मैस है वो 850 ग्राम है। हमने इस लकड़ी की ब्लॉक की डेंसिटी फाइंड करनी है बेसिकली। तो सबसे पहले हम डाटा इसका देखते हैं कि इसमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या हमें दिया गया और क्या क्या हमने मालूम करना है। तो वुडन ब्लॉक की मेजरमेंट सबसे पहले हमें दी हुई है वो 40 सेंटीमीटर ज़रब 10 सेंटीमीटर ज़रब 5 सेंटीमीटर है। हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि मीटर स्टैंडर्ड यूनिट है, तो सबको 100 से डिवाइड कर लेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये 0.4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.05 मीटर बन जाएगा। दूसरी चीज़ जो हमारे पास गिवन है, हमें मालूम है, वो मैस ऑफ ब्लॉक है जो कि 850 ग्राम है और ये 0.85 केजी में हो जाएगा कन्वर्ट 1000 से डिवाइड करके। और तीसरी चीज़ जो हमने मालूम करनी है वो डेंसिटी ऑफ वुड है, इसको रॉ से जाहिर करेंगे और ये हमने मालूम करनी है। अब हमारे पास दो चीज़ें हमें दी भी हैं और तीसरी चीज़ हमने मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो सॉल्यूशन में जो डेंसिटी का फार्मूला है स्टैंडर्ड वो है डेंसिटी इज इक्वल टू यानी रो इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, यानी उस ब्लॉक का मैस कितना है डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें हमें गिवन है वो एक तो है इसका मैस हमें मालूम है और दूसरा वॉल्यूम हमने यहाँ पे मालूम करना है। तो मैस इज इक्वल टू है 0.85 केजी और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मालूम करने के लिए सिंपल क्या करेंगे हमें, क्योंकि ब्लॉक की मेजरमेंट्स दी हुई हैं तो हम उनको सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ज़रब दे लेंगे तो हमारे पास उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। सिंपल कैलकुलेटर से इन तीनों मेजरमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारे पास वॉल्यूम जो है वो 0.02 मीटर क्यूब के अंदर आ जाएगा। अब हमारे पास दोनों चीज़ें हमें मालूम हो गई हैं और तीसरी चीज़ यानी डेंसिटी हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब हम मैस और वॉल्यूम दोनों की वैल्यूज़ को ऊपर फार्मूला में, डेंसिटी वाले फार्मूला में पुट कर लेंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वुड इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू 0.85 केजी डिवाइडेड बाय 0.02 मीटर क्यूब। तो सिंपल हमारे पास जब हम कैलकुलेटर से उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 425 केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी मालूम हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आगे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखने का बहुत शुक्रिया और इस किस्म की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल स्टार वेज ट्यूटोरियल का विज़िट करें, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।